हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। आज हम आपको पढ़ाएंगे सिंपल इंटरेस्ट। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हम सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करें, तो आज हम आपको बताएंगे। काफ़ी अच्छे से दिखेगा, काफ़ी अच्छी वीडियो है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट उसके लिए हमें क्या होता है, जब भी हमें इंटरेस्ट लेना हुआ तो इंटरेस्ट हमें किस पर मिलता है। इंटरेस्ट हमें मिलता है हमारे प्रिंसिपल पर, यानी कि जो हमारे पास पहले से एक पैसा है। जैसे हम कहीं पर इंटरेस्ट कर मतलब इन्वेस्ट करते हैं या फिर हम किसी को पैसे देते हैं, तो एक टाइप से आप समझिए हिंदी में जिसको बोलते हैं कि ब्याज। अगर हम किसी को कुछ पैसे देते हैं तो उनसे हम पर महीने या सिक्स मंथ्स या फिर ईयर के हिसाब से उनसे हम पैसे रिटर्न में लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट। तो वो होता है इंटरेस्ट। लेकिन जो पैसे हम उनको देते हैं वही क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। ठीक है, देखिए अब आप समझिए प्रिंसिपल मनी दैट वी बोरो या फिर लैंड और इन्वेस्ट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। पैसे या तो हम कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं या किसी से ले रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, हम प्रिंसिपल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई बिजनेस सेटअप करना है या नई कंपनी खोलना है, तो आप जो पैसे लगाएंगे ज़मीन खरीदने में या फिर उसको कॉलेज या हॉस्पिटल बनवाने में, उसमें जो पैसा आप लगा रहे हैं वो क्या होगा, आपका प्रिंसिपल होगा। यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसमें पैसे लगा रहे हो। अब इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब वही होता है जो पैसे आपने उसमें लगा दिए, अब उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न में मिलता रहेगा काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, वो क्या होता है आपका इंटरेस्ट। तो एक्स्ट्रा मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लेंडर फॉर यूजिंग द मनी इज कॉल्ड इंटरेस्ट। जैसे आपने किसी से पैसे ले लिए हैं, ठीक है, एज अ इंटरेस्ट पर या सिंपल कहें ब्याज पर 2% 3% जो भी जैसा मिले आपको, तो आप क्या करते हैं, पैसे ले लेते हैं। और जब आप पैसे ले लेते हैं तो आप उनको पर महीने या सिक्स मंथ जैसा आप डिसाइड करते हैं, तो उन कुछ पैसे बोरो कर मतलब देते रहते हैं, उनको पे करते रहे। मतलब क्या हुआ कि आप उनसे उधार पे लिए हैं और उनको पैसे दे रहे हैं, उनका जो आपने पूरा टोटल अमाउंट एक बार में जो लिया है वो तो आप देंगे ही, लेकिन उस पर इंटरेस्ट भी पड़ता रहेगा, वो भी आपको पे करना होगा। ये होता है इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट ये होता है व्हेन द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द प्रिंसिपल ओनली नॉट ऑन द इंटरेस्ट अर्न इन प्रीवियस ईयर। इसमें केवल सिंपल इंटरेस्ट ये होता है जो भी आपने दे दिया एक बार में, जितना आपने लगा दिया, हाँ वही आपको पे करना होगा। ये नहीं कि अगर ईयर हो गया या फिर आपने जब टाइम डिसाइड किया उसके बाद बढ़ गया तो और उस पर बढ़ जाएगा, नहीं, ये सिंपल रहता है। अब अमाउंट, द अमाउंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट रिटर्न बाई अ बोरोवर आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड इज कॉल्ड अमाउंट। मतलब ये होता है कि जितना आपने लिया था और जितना इंटरेस्ट था, अगर वो मिला के आप टोटल दे देते हैं तो वो क्या होता है, अमाउंट होता है। जैसे अमाउंट का फॉर्मूला होता है, जैसे कि आप देखिए अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये हमारा क्या हो गया, अमाउंट, मतलब कि जो हमने दिया था उसमें हमें क्या मिला, प्रिंसिपल। मतलब जो हमने, जैसे आपने हमसे लिया है तो आप हमको ये भी देंगे और साथ में ये भी देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, आप प्रिंसिपल भी दे रहे हैं और उस पर जितना हमने इंटरेस्ट लगाया था यानी कि जो ब्याज लगा रखी थी हमने उस पर, वो भी हम आप हमें क्या कर रहे हैं, वापस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए रेट क्या होता है, द इंटरेस्ट रेट चार्ज पर 100 ऑन द मनी बोरोड इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये रेट आप एक तरीके से ये समझिए कि कितने रुपए पे आप कितने रुपए दे रहे हैं। जैसे 100 रुपए पे जितने भी आप लगाएंगे 1% 2%, तो ऐसे 1000 पे लगते हैं क्योंकि आप कम अमाउंट पे तो ज़्यादा नहीं लगा सकते, तो जब ज़्यादा अमाउंट रहेगा तो उस पर आप थोड़ा लगाएंगे तो, या फिर ज़्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे जैसे आपको डिसाइड किया रहे। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ये होता है द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द मनी इज़ बोरो, मतलब वो टाइम पीरियड जब जितना टाइम पीरियड आपने बता रखा कि इतने दिन के लिए हमें चाहिए। लैंड और इन्वेस्टेड, या फिर आपने इन्वेस्ट कर रखा है टाइम पीरियड बता करके, 1 साल 2 साल 3 साल, उसको क्या कहेंगे हम, टाइम। इट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड इन ईयर, ये ज़्यादातर माना जाता है कि हाँ वो टाइम जो है वो ईयर में ही रहेगा, क्योंकि तभी सही पड़ता है इंटरेस्ट, नहीं तो इससे ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिल नहीं पाएगा। ठीक है,
अब आप देखिए इसके आपको हम फॉर्मूले बताते हैं। अब देखिए हाँ ये भी ज़रूरी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको आपको ज़रूरी है। देखिए अगर आपको टाइम जो है टाइम जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। इफ़ द मंथ टाइम इज़ गिवन इन मंथ्स, इफ द टाइम अगर आपको टाइम जो है वो किस में दिया गया मंथ्स में, तो आप उसको क्या करेंगे 12 से डिवाइड कर देंगे और कन्वर्ट हो जाएगा किस में ईयर में। और अगर जो टाइम है अगर वो आपको दिया गया है किस में दिन में, तो उसको क्या करेंगे हम ईयर से डिवाइड कर देंगे यानी कि 365 से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा ईयर में। और लीप ईयर है तो उसमें भी आप कर सकते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि आप उसको नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको ये तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये ज़रूरी भी है याद रखने के लिए कि अगर ये जो मंथ्स हैं हमारे वो कौन से होते हैं 31st के, कौन से 30 के, कौन से 29 के, ठीक है। तो इसमें आइए हम आपको बता देते हैं कि कौन से 30 के होंगे और कौन से 30 के नहीं होंगे, बहुत इजी तरीके से है। तो आप देखिए एम स्क्वायर जे स्क्वायर डी ओ ए, ठीक है। एम स्क्वायर का मतलब ये होता है आप यहाँ पे एम स्क्वायर है तो आप इसको कर सकते हैं मार्च में, ये कैंसिल हो गया मार्च में, ये एम स्क्वायर, ठीक है। अब जे स्क्वायर है, जे स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं जनवरी और जुलाई, ठीक है, जनवरी और जुलाई, ये क्या हो गया जे स्क्वायर हो गया। अब डी ओ ए, डी ओ ए यानी कि डी, डी से दिसंबर, ओ से अक्टूबर, और अब देखिए हो गया ये, तो ये सब जो हैं वो कितने के होंगे एम स्क्वायर जे स्क्वायर डी ओ ए, ये कितने होंगे 31st के होंगे। ये जितने भी होंगे मंथ्स ये किस में होंगे, इसमें जो डेज होंगे वो कितने होंगे आपके डेज 31st। और फरवरी तो आप जानते ही हैं, फरवरी जो होती है वो 28 की होती है नॉर्मल ईयर में, नॉर्मल ईयर में। और अगर लीप ईयर हो गई है तो कितने की हो जाती है 29 की। बाकी अब आप देखेंगे तो ये तो कितने हो गए 7 मंथ हो गए, बाकी कितने बच्चे हैं फरवरी आप छोड़ दीजिए तो ये 28 या 29 का हो जाएगा। फिर उसके बाद जितने बचते हैं वो कितने के होंगे, जो बचे हुए हैं वो कितने हो जाएंगे 30 के, 30 डेज, ठीक है। अब आप काफ़ी अच्छे तरीके से आपको पता हो गया, एक बार आप देख लीजिए इधर एम स्क्वायर जे स्क्वायर डी ओ ए। एम स्क्वायर का मतलब होता है कि मार्च में, जे स्क्वायर का जनवरी और जुलाई, और डी ओ ए का मतलब हुआ दिसंबर अक्टूबर एंड अगस्त, ये हो गया आपके मंथ्स, जिसमें आप ये नहीं भूलेंगे कि कौन सा क्या है, आप बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं। जब भी आपको ये लगे कि आपको याद नहीं हो रहा तो आप ऐसे ही बना लीजिए और एक बार उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, आपको बिल्कुल भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आइए देखते हैं कि फॉर्मूले हमारे फॉर्मूले कौन कौन से हैं जो हमें क्या करते हैं याद होने की ज़रूरत रहती है कि हमें फार्मूले याद होने चाहिए। सॉरी आप फार्मूले के लिए अब देखिए आप इसमें हम आपको बताएंगे कि फार्मूले क्या क्या होते हैं। सबसे पहले अगर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो सबसे पहले आप लिखेंगे फार्मूले। आप एक बात याद रखिएगा, जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए तो क्वेश्चन पे पहले आप लिखिए गिवन दैट, जो जो आपको दिया गया है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग फार्मूले को यूज़ करिए। जब भी आप लिखेंगे तो आप समझ जाएंगे हमें कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100, ठीक है। और दूसरा प्रिंसिपल यानी किया गया सिंपल इंटरेस्ट पी आर टी बाई 100। अब प्रिंसिपल 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट रेट इंटू टाइम, ये हो गया।
और इसके बाद भी रेट इज इक्वल टू क्या होता है, 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट बाय पी इंटू टी। ठीक है, ये आपका फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हमने आपको पहले ही बताया था, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये आपके फॉर्मूले हो गए हैं। देख लीजिए आप एक बार, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले हो गए हैं। अब आप क्या करते हैं, क्वेश्चन, क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।